ओके क्लास, टुडे वी स्टार्ट आवर ग्रामर वर्क। आज हम मंथ जून का ग्रामर वर्क स्टार्ट करेंगे। क्लास, आप लोग अपना इंग्लिश का काम कॉपी नंबर 4 में करते हैं, हम अपना ग्रामर वर्क भी उसी कॉपी में करेंगे जिसमें हमने अपना टेक्स्ट वर्क किया है। ओके, जस्ट वी मेंटेन अ टाइटल पेज लाइक दिस। सिर्फ हम अपना टाइटल पेज इस तरह का बनाएंगे ताकि ग्रामर वर्क स्टार्ट होने से पहले हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमारा काम, ग्रामर का काम स्टार्ट हो रहा है। अब लास्ट वर्क जो कल हम लोगों ने किया था क्लास, कंपाउंड वर्ड्स अपनी पोएम के जो करे थे, मतलब जो हमने अपना काम जो करा था एक्सरसाइज सी वाला, उसके आगे वाले पेज में, मतलब जो लास्ट वर्क आपका जहां एंड हुआ है उसके बाद वाले पेज पर आपने क्या करना है, इस तरह ग्रामर का टाइटल पेज बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिफ्ट टू लाइन्स। सबसे पहले आप अपनी टू लाइन्स को लिफ्ट करेंगे, ऊपर की टू लाइन्स अपनी लिफ्ट करेंगे। आप टू लाइन्स लिफ्ट करने के बाद थर्ड लाइन पे आपने लिखना है ग्रामर वर्क। ओके, थर्ड लाइन पे आप क्या लिखेंगे, ग्रामर वर्क। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ काम करेंगे क्लास, फॉर्मेशन का ख्याल रखेंगे, सफाई का ख्याल रखेंगे, गैपिंग का ख्याल रखेंगे। ग्रामर वर्क की हेडिंग डालने के बाद आपको सेकंड लाइन भी नजर आ रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है सिंगुलर प्लरल्स। सिंगुलर प्लरल, सिंगुलर का मतलब हम सिंगुलर प्लरल करेंगे। आप सबको आई नो, आप अगले पिछली क्लासेस में अपनी पढ़कर आए हैं सिंगुलर प्लरल, मैं फिर भी आपको बता दूं, व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सिंगल थिंग इट्स कॉल्ड सिंगुलर। जब भी हम कभी किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। और जब कभी भी हम किसी ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं तो दैट इज आर प्लरल, तो वो हमारा क्या होता है, प्लरल हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ओके सॉरी। फिर है हमारे पास वर्ड्स अपोजिट्स। वर्ड अपोजिट क्या है क्लास, जैसे उलट होती है ना चीज, किसी भी एक चीज का, किसी भी एक वर्ड का उसके बिल्कुल उलट बताना हमको। जैसे डे है तो डे का उलट क्या होगा, नाइट होगा, ठीक है ना। लेस है, लेस मीन होता है कम, कम का उलट क्या होगा, मोर, ज्यादा, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी कहलाती है वर्ड अपोजिट। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या होते हैं क्लास, हम अपनी कही हुई किसी भी बात को ट्रांसलेट करें, मतलब कन्वर्ट करें किसी दूसरी चीज में, किसी दूसरी लैंग्वेज में। जैसे हमने उर्दू के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिए हुए हैं, हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो हम उन्हें ट्रांसलेट किस में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, तो ये हमारी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन हमारे पास टू टाइप्स में है, एक दिस की और एक दीज की। जिस तरह से सिंगुलर और प्लरल है बिल्कुल इसी तरीके से दिस और दीज है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी सिंगुलर पर्सन थिंक देन वी यूज दिस। अगर हम किसी भी सिंगुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे, थिंग के बारे में बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनी प्लुरल पर्सन, यानी मोर अबाउट टू पर्सन, मोर अबाउट वन पर्सन, यानी किसी भी एक से ज्यादा पर्सन के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके लिए दीज यूज करेंगे। ओके, नाउ क्लास यू हैव 2 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टाइटल पेज, हरी अप। और एक बात और याद रखिएगा क्लास, दिस के साथ हम इज यूज करते हैं, यानी कभी भी सिंगुलर चीज के लिए हम इज यूज करते हैं, और जब प्लरल चीज के बारे में बात हो रही होती है, ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही होती है, तो हम आर यूज करते हैं। तो दिस के साथ हमारा क्या यूज होगा, इज यूज होगा, और दीज के साथ हमारा क्या यूज होगा, आर यूज होगा। ओके,
ओके क्लास मैन, यू हैव कंप्लीट दिस वर्क, नाउ टर्न आउट द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए जरा सब। अब नेक्स्ट पेज पर आपने क्या करना है, डेट एंड डे मेंशन करने के बाद आपको अपने पेज को टू कॉलम्स में डिवाइड करना है। ड्रॉ मार्जिन लाइन इन द मिडल ऑफ द पेज, एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है पेज के मिडल में, और आपने क्या करना है, अपने पेज को टू कॉलम्स में डिवाइड करना है, जिसमें आप लिखेंगे सिंगुलर, एक कॉलम पे लिखेंगे सिंगुलर, यानी हम उस चीज की वन चीज, मतलब हम यहाँ पे तमाम सिंगुलर्स लिखेंगे, और दूसरे कॉलम में आपने लिखना है प्लरल। वैसे तो बेटा प्लरल बनाने के, यानी सिंगुलर से उसको प्लरल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, मगर अभी हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज ऐड करके अपनी, यानी एक लेटर ऐड करके अपनी थिंग्स को, अपनी चीज को, मतलब वर्ड को प्लरल में कन्वर्ट करेंगे। वैसे हम बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ हम डिफरेंट लेटर्स को ऐड करते हैं, और कुछ लेटर्स एस्केप भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह ताला वी विल लर्न अबाउट दिस इन आर फ्यूचर क्लासेस। ये सब चीज़ें हम अपनी आगे की क्लासेस में जो है वो लर्न करेंगे, लेकिन अभी इसमें हम सिर्फ एक लेटर ऐड करके अपनी किसी भी सिंगुलर थिंग को प्लरल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो एक नंबर पे आपको लिखना, एक कॉलम में आपने मेंशन करना है सिंगुलर, जहां पर हम सारे सिंगुलर वर्ड्स लिखेंगे, और दूसरे कॉलम में आपको मेंशन करना है प्लरल, जहां पर हम सारे प्लरल वर्ड्स लिखेंगे। सो वर्ड नंबर वन इज स्टार। ओके, द स्पेल ऑफ स्टार इज STAR। स्टार मीन्स सितारा, एक सितारा है। एक दफा विदाउट एस जब हम इसको प्लरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी स्पेलिंग के साथ जस्ट एक लेटर ऐड कर देंगे, और वो लेटर क्या होगा, हमारा एस होगा, और हमारी जो ये सिंगुलर थिंग है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लरल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, यानी हमने स्टार को, एक स्टार को जब बहुत सारे स्टार्स में कन्वर्ट किया, तो स्टार के स्पेलिंग के साथ हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, जस्ट एक एस लगा दिया। ओके, तो STARS इट्स अ प्लरल स्पेल ऑफ स्टार्स, और ये क्या होगी, हमारी स्टार्स हो गई, स्टार स्टार्स। द सेकंड इज ट्री, TREE ट्री, द प्लरल इज ट्रीज, TREES ट्रीज। थर्ड वर्ड इज प्लांट, PLANT plant, the plural is plants, PLANTS plants। उसके बाद है fruit, फल, FRUIT fruit, plural is FRUITS fruits। The last one is son, SON son। ये बेटा son हम कहते हैं बेटे को, ठीक है ना, जैसे daughter और son होता है ना, बेटी और बेटा, that mean is son, बेटी, बेटा, sorry। इसका प्रोनाउंस एक ही है, SON son सूरज होता है, SON son बेटा होता है। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा प्लरल्स, क्या प्लरल क्या हो जाएगा इसका, sons, एक बेटा son, और बहुत सारे बेटे, मतलब दो और तीन और चार बेटे, तो क्या हो जाएंगे, सन्स हो जाएंगे। यू हैव टू मिनट टू कंप्लीट दिस वर्क, हरी अप। स्टार स्टार्स, ट्री ट्रीज, प्लांट प्लांट्स, फ्रूट फ्रूट्स, सन सन्स। ओके,
Okay, class. When you have complete this work, turn out the next page. It's a word opposite. Word opposite मैंने आपको बताया था ना, किसी भी word की उलट बोलना. That is called a word opposite. वर्ड अपोजिट का भी पेज आप इसी तरह मेंटेन करेंगे. डेट एंड डे मेंशन करने के बाद अपने पेज को अपने पेज पर मार्जिन लाइन ड्रॉ करके आपने क्या करना है, अपने पेज को टू कॉलम्स में डिवाइड करना है. अपने पेज को आपने टू कॉलम्स में डिवाइड किया. एक कॉलम में आपने लिखा वर्ड और दूसरे कॉलम में अपोजिट्स. ओके, द वर्ड नंबर वन इज लाफ. एल ए यू जी एच, लाफ. लाफ मीन्स हंसना. ओके, बहुत जोर जोर से या जैसे भी आप हंसते हो, हंसना. द अपोजिट ऑफ लाफ इज क्राई. सी आर वाई, क्राई. क्राई मीन्स रोना. लाफ, क्राई. The word number two is day. D-A-Y, day. Day means din. The opposite of day is night. N-I-G-H-T, night. The opposite of day is night. Day, night. The word number three is forward. F-O-R. W-A-R-D, forward. Forward mean आगे बढ़ना. जैसे forward counting होती है ना, हम आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और जहां तक हमें लिखनी होती है वहां तक पहुंच जाते हैं. ठीक है, ये forward हो गया आपका. The opposite of forward is backward. B-A-C-K-W-A-R-D, backward. Backward means पीछे जाना. Forward, backward. Forward, backward. Word number four is come. Come means aana. C-O-M-E, come. Come means aana. The opposite of come is go. Aana or jana. G-O, go, jana. Back, come, go. The word number five is today. Today. Today means aaj. T-O-D-A-Y, day. Today. The opposite of today is tomorrow. T-O-M-O-R-R-O-W. Tomorrow. Tomorrow means kal. Today, aaj. Tomorrow, kal. The word number six, brave. Brave mean bahadur. B-R-A-V-E, brave. The opposite of brave is coward. C-O-W-A-R-D, coward. Brave, coward. The word number seven is beautiful. B-E-A. U-T-I-F-U-L, beautiful. Beautiful, khubsurat. The opposite of beautiful is ugly. U-G-L-Y, ugly. Matlab, dikhne mein jo achcha nahi lagta. Beautiful, ugly. Number eight is victory. V-I-C-T-O-R-Y, victory. Victory means jeetna. Defeat, D-E-F-E-A-T, defeat. Defeat mean harna. Ek aur meaning hoti hai beta, victory ki fatah. Jaise hum kisi cheez mein humne fatah hasil kar li, hum jeet gaye, aur kisi cheez mein hum शिकस्त हुई हमें तो वो हम हार गए. ओके, द वर्ड नंबर नाइन नॉइस. एन ओ आई एस ई, नॉइस. नॉइस मीन शोर.
अपोजिट ऑफ नॉइस साइलेंस, SILENCE, साइलेंस. साइलेंस मीन खामोशी. नंबर 10 इज 10 बेटा, मैंने आपने देखा होगा मैंने पेज के नीचे लिखा हुआ है, वो नीचे सिर्फ इसलिए लिखा है कि खाली एक वर्ड के लिए आपका पूरा पेज जो है वो बॉन्ड हो जाता. दैट्स व्हाई यू राइट हियर, आप भी यहीं पर ही लिखिएगा स्मूथ यानी हमवार सीधा, SMOOTH स्मूथ. रफ ROUGH रफ, रफ मीन्स ऊपर नीचे गड्ढे लाइक दिस. Turn out the next page class. It's translate into English. First of all, you copy down the question. Translate into English. I hope आपको whole page नजर आ रहा होगा, पूरा page आपको दिख रहा होगा. The sentence number one is ये अलमारी है. हम यहाँ पे एक अलमारी की बात कर रहे हैं तो that is why. तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे. मैंने आपको बताया था दिस के साथ हम इज यूज करते हैं तो क्या ट्रांसलेट हो जाएगी हमारी, दिस इज अ कबर्ड, ये अलमारी है. दिस इज अ कबर्ड. नंबर टू इज ये पेंसिल है. इट्स ऑल्सो अ वन थिंग. यहाँ पे भी हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. सो वी यूज दिस, तो हम यहाँ पे भी दिस यूज करेंगे. दिस इज अ पेंसिल. ट्रांसलेट टू इज दिस इज अ पेंसिल. तो सेंटेंस नंबर थ्री, ये कपड़े हैं. कपड़े बहुत सारे हो गए, ठीक है ना. और है भी यूज हो रहा है, मतलब नून गुनने वाला है यूज होता है तो वो ज्यादा चीजों के साथ यूज होता है ना. तो क्या होगा यहाँ पर, अब हम क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे. मैंने आपको बताया था दीज के साथ हम आर यूज करते हैं. सो वी ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन दीज आर क्लॉथ्स, और क्लॉथ के साथ हम एस भी इंक्लूड कर देंगे. ओके, दीज आर क्लॉथ्स. नंबर फोर इज ये जूते हैं. जूते, और नून गुनने वाला है आ रहा है, मीन ज्यादा जूतों की बात हो रही है. तो ट्रांसलेट क्या होगी हमारे यहाँ पे, दीज आर शूज. दीज आर शूज. नाउ बेटा टर्न आउट द नेक्स्ट पेज. सेंटेंस नंबर फाइव इज ये मेरा बस्ता है. यहाँ पे सिर्फ बस्ते की बात हो रही है यानी एक बैग की बात हो रही है. तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज माय बैग. ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस इज दिस इज माय बैग. ओके, नंबर सिक्स इज ये मेरे दोस्त हैं. मेरे दोस्त हैं यानी बहुत सारे दोस्त हैं, नून गुनने वाला है, ठीक है ना. तो प्लरल की बात हो रही है तो हम यहाँ यूज करेंगे दीज. दीज आर माय फ्रेंड्स. दीज आर माय फ्रेंड्स. नंबर सेवन इज ये मेरी किताबें हैं. किताबें, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है. तो दीज आर माय बुक्स. और बेटा इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है क्लास कि जिस तरह मैंने लाइनिंग वाले सेंटेंस में उर्दू और लाइनिंग वाले सेंटेंस में ट्रांसलेशन लिखी है, आपने भी इसी तरह करना है. लाइनिंग वाली लाइन में उर्दू लिखनी है और लाइनिंग वाली लाइन में ही इंग्लिश सेंटेंसेस लिखने. द सेंटेंस नंबर एट इज ये सेब हैं. नून गुनने वाला है तो सेब बहुत सारे हैं. देन वी यूज दीज. दीज आर एप्पल्स.
These are apples. Number 9 is ye kursi hai. This is a chair. This is a chair. Complete in 2 minutes, class. Now, class, turn out the next page. हमारी एक translation रह गई है. The translate sentence number 10. ये मेरा school है. ये next page पर आएगी, जिस तरह मैंने लिखी है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको. ये मेरा school है. This is my school. Okay? ये मेरा school है. This is my school.